Hello everyone and welcome to my channel jiska naam hai Shared Experience. Today's recipe is veg momos with spicy chutney. This is the look of my ingredients. Today we will use these ingredients to make veg momos. So let's start. सबसे पहले हम मोमोज की स्टफिंग को तैयार करेंगे. हमने गैस पे कढ़ाई रख लिया है और थोड़ा सा ऑयल डाला. ऑयल गर्म हो गया है. थोड़ा सा ही ऑयल यूज करेंगे इसमें क्योंकि वेजीज को हमें हाफ कुक ही रखना है. इसलिए फिर हमने इसमें ये 1 चिली डाला है, 1 टेबलस्पून कद्दूकस किया हुआ जिंजर, 4 to 5 लहसुन की कलियां यानी गार्लिक. इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे. फिर हम डालेंगे इसमें अनियन. अनियन को हम इसमें अच्छे से मिक्स करके 1 से 2 मिनट तक फ्राई कर लेंगे. ध्यान रहे इसे पूरा नहीं पकाना है हमें, इसे हाफ कुक भी रखना है. मोमोज की स्टफिंग का जो हम ये वेजीज तैयार करेंगे इसमें वेजिटेबल्स हाफ कुक्ड रहेंगे. फिर हमने इसमें डाला कैप्सिकम. कैप्सिकम को अच्छे से अनियन के साथ मिक्स कर लेंगे. इसके बाद मैंने कद्दूकस किया हुआ गाजर यानी कैरेट मिक्स किया है इसमें. मैंने गाजर को इसलिए नहीं पीसेस में कट किया क्योंकि उसे पकने में टाइम लगता है और कद्दूकस किया हुआ अच्छे से मिक्स हो जाएगा सारी वेजीज में. फिर हम इसमें कैबेज को मिक्स कर लेंगे. कैबेज यानी पत्ता गोभी. इसमें हम डालेंगे नमक स्वाद अनुसार. हमारी अमाउंट में वेजीज होंगी उसके हिसाब से. फिर हम इसमें चुटकी भर काली मिर्च डालेंगे, ब्लैक पेपर, और अच्छे से मिक्स करके इसे पकने के लिए रख देंगे. मैंने इसमें आपको अमाउंट नहीं बताया है कि मैंने इसमें कितनी वेजीज रखी है. ये मैंने अपने फैमिली मेंबर्स के हिसाब से रखा है. मेरे यहाँ 4 to 5 फैमिली मेंबर्स हैं. आप अपने फैमिली मेंबर्स के हिसाब से वेजीज को घटा सकते हैं या बढ़ा सकते हैं. अब इसमें मैं ये डाल रही हूँ बॉइल्ड मटर यानी पीस. मैंने इसको बॉइल कर लिया था क्योंकि मटर तो आधा पका हुआ अच्छा नहीं आएगा टेस्ट में, इसलिए आपका जो ये पीस है ये कुक होना चाहिए. इसलिए मैंने इसको पहले से ही बॉइल करके रख लिया था. अब इसमें मैंने थोड़ा सा हींग डाला है. हींग हेल्थ के लिए अच्छा होता है, खाना डाइजेस्ट करवाने में हमारी हेल्प करता है, इसलिए मैं इसमें हींग हमेशा डालती हूँ. फिर अच्छे से मिक्स करके इसे हम फिर से थोड़ी देर के लिए ढक देंगे. ये देखिए हमारी स्टफिंग ऑलमोस्ट तैयार हो गई है. देखिए पूरा पानी पत्ता गोभी का सूख गया है. हमारी वेजीज तैयार हो गई है. अब इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे. नेक्स्ट स्टेप है हमारा मैदा, जिसको हम गूंथ लेंगे अच्छे से. नॉर्मल वाटर से आपको इसको गूंथना है. थोड़ा थोड़ा डाल डाल के पानी आप इसको गूंथना स्टार्ट करिए. धीरे धीरे पानी को आप अच्छे से मैदे में मिक्स करिए. इकट्ठे आप बहुत सारा पानी मत डाल दीजिएगा, नहीं तो आपका ये आटा गीला हो जाएगा. आपको इसको एकदम सॉफ्ट डो तैयार करना है. इसका थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ही गूंथिएगा, याद रखिएगा इस बात को, नहीं तो आपका ये मैदा गीला हो जाएगा. द फर्स्ट स्टेप एंड सेकंड स्टेप इज कंप्लीटेड. अब हमारी बारी है थर्ड स्टेप की, जो कि है वेज मोमोज के साथ हमारी स्पाइसी चटनी. अब हम चटनी बनाएंगे. सबसे पहले मैंने गैस पे फ्राई पैन रखा, उसमें पानी डाला, पानी को गर्म होने दिया. थोड़ा सा पानी जब गर्म हो गया तो उसमें मैंने 7 से 8 लाल मिर्ची डाला है. आपको और स्पाइसी करना है तो आप मिर्ची की अमाउंट को बढ़ा सकते हैं. सेम विद टोमेटोज. फिर मैंने इसमें टोमेटोज डाला है. अब
हमने इसको थोड़ी देर के लिए बॉईल करने के लिए छोड़ दिया है। मैं चेक कर रही हूँ अपने फिंगर से कि टोमेटोज बॉईल हुए हैं कि नहीं, और ये बॉईल हो गए हैं। अब मैं सारे टोमेटोज को वन बाय वन प्लेट में निकाल लूंगा। इसी तरीके से मैं इन लाल मिर्ची को भी निकाल लूंगा। अब हम अपना एक जार लेंगे। जार में हम ये टोमेटोज को पील कर करके डालेंगे। ध्यान रहे, इस चटनी में टमाटर के छिलके को निकाल दिया जाता है, तभी अच्छे से टेस्ट आ पाता है। ये मैं सारे टोमेटोज को पील कर चुकी हूँ। मैंने इसमें टोमेटो का जूस जो बचा हुआ था और ये सारी लाल मिर्ची डाल दिया। अब मैं इसको ग्राइंड कर लूंगी। ये देखिए पिस गया है। अब इसको हम फ्राई पैन में फ्राई करेंगे। मैंने फ्राई पैन रखा गैस पे, उसमें थोड़ा सा ऑयल डाला। इसके बाद मैंने इसमें लहसुन की कलियां डाली बारीक कटी हुई, यानी गार्लिक, फिर 1 टेबलस्पून ऑफ जिंजर यानी अदरक, इसको अच्छे से भून लेंगे। जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएगा तो इसमें हम वो टोमेटो और मिर्ची की जो प्योरे हमने तैयार किया है उसको मिक्स कर लेंगे। अब अच्छे से मिक्स करके इसमें हम डालेंगे सॉल्ट स्वाद अनुसार। ये देखिए चटनी हमारी पक रही है। फिर मैंने इसको इसकी चटनी को टेस्ट को एनहांस करने के लिए 2 टेबलस्पून ऑफ लेमन जूस डाला है, 1 टेबलस्पून ऑफ शुगर। फिर चटनी में भी मैंने थोड़ा सा हींग डाला है। जैसे कि मैंने बताया, हींग डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। ये देखिए हमारी स्पाइसी चटनी तैयार हुई है। अब हमारा ये स्टफिंग का लास्ट स्टेप, जिसमें हम मिक्स करेंगे ग्रेट किया हुआ पनीर, जो कि मैंने पहले से ही ग्रेट करके रखा हुआ था। इसको मैं लास्ट में इसलिए मिक्स कर रही हूँ ताकि ये पिघले ना। अगर हम गर्म स्टफिंग में इसको मिक्स कर लेते तो ये हमारी जो पनीर है पूरी पिघल जाती। ये हमारा स्टफिंग तैयार। अब हम लोई बना के, छोटी छोटी लोई बना के बेलेंगे, जिसमें हम मोमोज की स्टफिंग भर के उसको मोमोज को तैयार करेंगे। ये देखिए मेरा पहला मोमोज का पूरी कहूंगी मैं इसे, जो मैंने बेल के तैयार किया है। इसको मैंने इसमें 1 स्पून डाला स्टफिंग को। अब देखिए मैं इसको कैसे शेप दे रही हूँ। जैसे साड़ी की प्लेट्स बनाते हैं वैसे ही प्लेट्स बना बना के आपस में पकड़ के इसको घुमा देंगे। ऐसे ही अब मैं देखिए दूसरा तैयार कर रही हूँ, सेम स्टाइल। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप इसे अपने तरीके से भी भर के शेप दे सकते हैं। मैं इस तरीके से देती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। ये देखिए मेरी स्टफिंग के ही मोमोज तैयार हो गए हैं। इसी तरीके से मैंने सारे मोमोज तैयार कर लिए। अब मैं इसको स्टीम करने के लिए रखूंगी। मैंने पहले से ही राइस कुकर में पानी डाल के उसको गर्म होने के लिए रख दिया था। पानी पूरा उबल रहा है, गर्म हो गया है। मैं सारे मोमोज जो मैंने तैयार किया है इसमें रख दे रही हूँ स्टीम होने के लिए। इसको हम 15 से 20 मिनट तक स्टीम करने के लिए रखेंगे। देखिए 15 से 20 मिनट हो गए और ये मेरा मोमोज जो है एकदम तैयार हो गया है, रेडी टू सर्व हो गया। माउथ वाटरिंग, ट्रस्ट मी, वेरी वेरी टेस्टी, वेरी हाइजेनिक एंड फिंगर लिकिंग
मोमोज। इसे मैंने अपने राइस कुकर में बनाया है, आप इसे अपने इडली मेकर में भी बना सकते हैं। स्टीमिंग तो देखिए हम किसी में भी करवा सकते हैं, हमारे पास जो भी चीज अवेलेबल रहे उसमें। ये देखिए हमारा यम्मी एंड टेस्टी मोमोज तैयार है। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।